जिस तरह शराब दुकानती का हो रही है वहाँ के मुख्यमंत्री पिएगा वो मरेगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है। धन्यवाद। बहुत ही सीरियस और सीरियस इशू हमारे देश के आगे के भविष्य मतलब युवा पीढ़ी के लिए। ये चर्चा जो परमिशन दी गई है 193 जो हमारे देश में ड्रग्स एब्यूज को लेकर है, मुझे लगता है पंत प्रधान जी का पहले सभी ने बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग देश के प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत जो देश में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसके माध्यम से पूरे देश में और सेंटर्स के द्वारा जितने भी सेंटर चलाए जा रहे हैं उसके माध्यम से जितना कंट्रोल कर सकें उस पर ड्रग्स पे कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके कहीं इन एंड आउट। ये पूरे प्रोग्राम में जो सबसे ज़्यादा सहभाग जिनका है आंगनवाड़ीज, आशा वर्कर और महिला मंडल और कई एनजीओज जो इसके लिए काम करती हैं कि यंग पीढ़ी जो हमारी इसमें पूरी इन्वॉल्व है उसके लिए उनको किस तरीके से ये ड्रग्स एडिक्ट से बाहर निकाला जाए उसके ऊपर जो काम करिए, विशेष करके सर अगर वक्त रहते इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो उसके परिणाम घातक हैं। हमारे देश के एनडीपीसी एक्ट 1985 ड्रग्स संबंधित कायदे के कलम 37 द्वारा लिए गए बेल के प्रावधान के और कठोर करना की जरूरत है और कलम 20, 25, 22, 29 के अंतर्गत दिए गए शिक्षा और कठोर करना की आवश्यकता है। सर जिस क्षेत्र से मैं एमपी हूँ जहाँ से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, आजकल की युवा पीढ़ी मुंबई जैसे शहर में जहाँ हम बचपन जहाँ जन्म हुआ वहाँ पे शहरों में अगर देखते हैं तो कॉलेज स्कूल्स के बाहर और हमारे जैसे शहर में जो बहुत छोटा टाउन है अमरावती वहाँ पर एमडी के केसेस इतने बड़े लार्ज स्केल पे चल रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई में जहाँ पे पार्टीज होती हैं, सर मेरे पास पूरा डाटा है ये वाला, अगर आप दिखाएंगे इसमें अलग अलग किस्म के ड्रग्स मेरे कई भाइयों ने इसके नाम लिए हैं। नाम लेते हुए भी एज ए पेरेंट एज ए लोक प्रतिनिधि देश की अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए दे आंग के कांटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब ड्रग्स अगर हमारे देश की पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। सभी ने पॉलिटिकल भाषण दिए हैं सर, एक महिला होने के नाते मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं, हम लोगों को चाहना चाहिए ये चीजें कि इस चीज पर रोक कैसी लगेगी, हम मिलकर कैसे काम करेंगे, हम अपनी क्षेत्र की जवाबदारी कैसे लेंगे, हम लोग इस पे कैसे काम कर सकते हैं, ये पार्टी ने करना चाहिए या वो पार्टी ने करना चाहिए, इसके लिए ये हाउस नहीं है सर। हमारे देश की पीड़ित हमारे देश के जवान हमारे देश के बच्चे उन्हें इस चीज से कैसे बचाया जाए उस पर काम करना चाहिए। मेरे एक कलीग भाई ने बताया कि अमित भाई जी अमित शाह जी जहां पर भी उनका नाम आए तो वो काफी है, नाम में ही दम है, नाम ही काफी है, जहां पर भी जो सब्जेक्ट पे वो बात करेंगे जो सब्जेक्ट वो हाउस में लेके आते हैं उस पर पूरी ईमानदारी से देश के लोगों का काम करने का काम हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री इस देश के काम कर रहे हैं। पर मेरा पीड़ा है कि अगर मैं पंजाब की गल करांगी सर, आई टॉक इन पंजाबी बिकॉज आई बेसिकली बॉर्न ब्रॉट अप इन मुंबई वर्कड इन साउथ एंड मेरी जनरेशन जो है वो पंजाब से, पंजाब तो आनी है पर पंजाब की जड़ी पीढ़ी हैगी है सारे ने क्या अपने ये बाजू तो कहे कई लोगों ने इतों क्या पंजाब की हर गली हर पिंड विच जिस तरीके नाल साड़ी युवा पीढ़ी अरे आयोडेक्स जाम चे ब्रेड चे लाल आके मुंडे न्याणे उत्थे दे खांदे ने ओ नशा करदे ने ओ नशा आंदा कित्थों है। गोलियां जड़ी बड़े आप ड्रग्स नहीं लै सकते तो गोलियां तू 50 रुपए 100 रुपए की जी गोलियां है वो आप ड्रग्स के मामले च यूज करके सारी सारी यंग पीढ़ी जी है मेरे भरा ने हूँ क्या सारे अबरॉड चले जाते हैं, जेडे अबरॉड जाते हैं वो तो चल जाते हैं पर जेडे पंजाब रेंदे ने उन्हों का की कोई भी ऐसी फैमिली हर दूजा घर पंजाब विच ऐसा एक भी न्याणा छुटिया नहीं है जो ड्रग्स एडिक्ट नहीं है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट मेरे होम मिनिस्टर जी नूं रहेगी कि सारे ने वक्री वक्री पॉलिटिक्स करते हुए सारिया चीज़ा चखिया ने पर पाकिस्तान बॉर्डर तो लग्या हुआ साडा पंजाब है। पहले जड़ी पंज दरियावां दी कहानी पंजाब हुई करती सी जड़ी सुंदर ब्यूटीफुल जड़ी सारे लोग उदी चर्चा करते से कि एग्रीकल्चर से सारे तो बड़े अज उड़दा पंजाब किवें बन गया केदे राज्य च बना राज्य सरकार ने की किया न्याणे दी भविष्य नाल किवें खेलिया घर तक पिंड तक ये ड्रग्स पहुंचे किवें एदे उत्ते रोक लगानी बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान तो जेड़ा भी ड्रग्स साडे देश विच पंजाब विच आ रहा साडे न्याणियां नूं सेव कर लो साडे न्याणियां नूं पंजाब ते बचाओ। जिवें महाराष्ट्र विच आज महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से पंजाब में है सर उसी तरीके से महाराष्ट्र में तेलंगाना में आंध्रा में राजस्थान में इस तरीके की जो एक्सपोर्ट की जा रही है यहां तक पहुंची जा रही है बड़ी बड़ी पार्टीज कर रहे हैं। इसी में सिर्फ बड़े नाम्स नहीं है, बड़े नाम बाहर आते हैं पर जो गांव में खेड़ों में छोटे शहरों में रहते हैं वो परिवारों का क्या जब उनके ऊपर
अत्याचार करते हैं ड्रग्स के नशे में, जिनको होश नहीं रहता है, रोड पे सो जाते हैं, रोड समझता नहीं है, ऐसे बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है सर। उसके लिए हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपने डाटा, हमने देखा जो डाटा मेरे हाथ में, देश का 30% 25% हमारा जो नंबर्स हैं, अगर इतना बड़ा परसेंटेज में अगर ड्रग्स एडिक्ट होता है तो हमारा भविष्य इस देश का कौन से मोड पे जा रहा है? उसको कम करने के लिए हम लोगों को सभी को मिलकर, नो पॉलिटिक्स, नो पार्टी, नो लीडर्स, हम सब ने वर्कर बनकर ड्रग्स एक्यूज को, ड्रग्स को बंद करने के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं, उस पर हम लोगों ने, सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। महाराष्ट्र में अभी मेरे एक भाई ने, यूपी से, उत्तर प्रदेश से लीडर है, आई डोंट वांट टू टेक एनीबडीज नेम सर, पर मुझे दुख होता है कि सुशांत सिंह राजपूत जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड की, उसके पीछे के कारण आज तक हमारे महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को पता नहीं लगा। सीबीआई ने जो इंक्वायरी लगाई थी महाविकास अघाड़ी में, उन्होंने उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की, उसका रीजन क्या था, अभी तक हमें पता नहीं लगा। सर मैं आपको एक एक्सपीरियंस मेरा बताती हूँ, हनुमान चालीसा, आई रीड हनुमान चालीसा चैंट इन फ्रंट ऑफ उद्धव ठाकरे जी हाउस, जब मैंने ये लाइन कहा तो मुझे मेरे घर में ही बांधा गया, और उसके बाद जब मुझे जेल 14 दिन हनुमान चालीसा मैं पठन करूंगी, जब मुझे जेल भेजा गया तो जेल में जब लेडीज हूं के जेल में मैं बैरिकेड में थी, जब 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए खाने के लिए छुट्टी देते थे एज ए क्रिमिनल, तो हम जब उनसे बात करते थे, यंग गर्ल्स, एजुकेटेड गर्ल्स, बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली, जब उनसे बात करते थे हम कि आप ये क्यों करते हैं, कई तो शौक के कारण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मैं बोली आप पैसे कितने कमाते हो, दिन में 50,000-40,000 रुपया, ये रकम उन्होंने उस जेल में, उन लड़कियों को जब हम ब्रेन वॉश उनका करते थे कि दिस इज नॉट गुड, यू आर एजुकेटेड, आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छा काम कर सकते हो, तब बोलते हैं, तब उनको कोई दूसरी राह नहीं दिखाई जाती, ऐसे बच्चों को भी जेल से निकाल के उनका भविष्य सुरक्षित करना भी हमारी कहीं ना कहीं जवाबदारी है, क्योंकि वो अनुभव मैंने खुद लिया है। 14 दिन जब मैं वहां थी तो 19 years, 20 years, 24 years, 25 years, दिस यंग ब्यूटिफुल एजुकेटेड, जब उनके साथ बात करके जब पता लगा कि वो ड्रग्स एडिक्ट है और ड्रग्स बेचने का काम करते, तब दुख होता है कि इनके हाथ तक वो ड्रग्स पहुंचता कैसे। तो मैं सिर्फ आपसे इतनी विनंती करूंगी सर, प्लीज हमें आप पर, हमारे गृह मंत्री पे, उनके डिपार्टमेंट पे, उन पे पूरा विश्वास है कि जो भी करेंगे हमारे देश की जनरेशन के लिए वो बहुत अच्छा करेंगे। माँ के पास ही बच्चा रोता है, तो शायद ये आवाज बच्चे की है, वो आवाज अपनी सरकार, अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी। इतना मैं जरूर कहूंगी सर, चार लाइन है, चार लाइन बहुत सुंदर है जो हमारे बच्चों के, देश के बच्चों के लिए है सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा पेन है जो मैं लोगों को, मेरे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को देखते हुए फील करती हूँ। रोक दो नशे की दरियाओं में बहते हुए पानी को, अभी भी वक्त है, बचा लो देश के यंग बच्चों को। इतनी विनंती मेरे अपने मंत्री से, हमारे गृह मंत्री से, और इस पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं सभी से करूंगी। हम सब एक हैं और हमारे भविष्य के लिए हम सबको लड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।